हेलो गाइस, एक्सप्लोर राइडर वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली ये जो है वो मेरे दोस्त का ही, मतलब ये पहले जो वीडियो मैंने दिया था सेंट्रो का ओवरऑल लुक, और ये मैंने एक इंटीरियर का डिटेल्स वीडियो मैं दे रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल। ये सेंट्रो का स्पोर्ट्स मॉडल है, आप देख लो। ये टोटल डैशबोर्ड, दिस इज़ द MID। एक बार मैं की ऑन करता हूँ, एक मिनट मैं एक बार की दिखा देता हूँ। ये है नॉर्मल की, इसमें एक्चुअली जो है अलार्म का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा आपको इधर। सो या मैं एक बार ऑन करता हूँ अभी, देख लो ये टोटल MID का जो अलार्म है। सो इधर एक बटन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एक मिनट, एवरेज स्पीड दिख रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम है एक्चुअली कुछ आई डोंट नो, बट ट्रिप बी एंड डिस्टेंस टू MT दिख रहा है 18 किलोमीटर। हालांकि गाड़ी में उतना तेल नहीं है इसके लिए। एंड दिस इज ऑल टोटल MID के कंट्रोल। 2 एनालॉग मीटर मिलेगा, एक टैकोमीटर, एक स्पीडोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट MID। दिस इज द म्यूजिक सिस्टम, एप्पल ऑटो, एंड्रॉयड कारप्ले दोनों मिलेगा। देयर इज मीन्स ऑल मेनू। इधर आपको देखिए फोन, रेडियो, म्यूजिक, एंड्रॉयड ऑटो, वीडियो, इमेज सब कुछ दिख रहा है इसमें। सो दिस इज द एक्चुअली टोटल म्यूजिक सिस्टम। ये 5 इंच शायद होगा, एग्जैक्ट साइज मुझको मालूम नहीं। इधर आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम का बटन मिलेगा, इधर से ऑफ भी होता है, सॉरी, ओके। और इधर से आप ट्यून भी चेंज कर सकते हो फोन, मतलब इधर पूरा एक स्विच आपको मिलेगा, मतलब पूरा स्विच का सेटअप। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो इधर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट मोड, म्यूजिक का मोड, ट्रैक चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से कॉल, रिसीव कार्ड एंड वॉइस असिस्टेंट का। इधर आपको AC का स्विच एंड AC का टोटल कंट्रोल मिलेगा, मतलब एयर फ्लो किधर करना है, फैन का स्पीड एंड हॉट एयर और कूल एयर के लिए इधर ऑप्शन मिलेगा, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। और इधर है मतलब गाड़ी का अंदर का एयर के लिए, और ये है मतलब बाहर से एयर लेने के लिए, एयर फ्लो आपको कि मतलब कहाँ से चाहिए इसके लिए। और इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर आपको मिलेगा USB केबल, मतलब USB का पोर्ट फॉर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड इधर से भी आप फोन को चार्ज कर सकते हो। इधर आपको मिलेगा, सॉरी, इधर आपको ये सेंट्रो में जो है एक्चुअली मिरर आपको फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो इधर आपको लेफ्ट राइट करके इधर आपको आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो। इधर है हेडलाइट लेवलर के लिए। सो एंड आपको इधर ही एक टोटल सेटअप मिलेगा, फ्रंट रियर, मतलब दोनों फ्रंट दोनों रियर के लिए। इधर आपको कोई भी डोर ओपन, मतलब सॉरी विंडो ओपन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इधर भी आपको नहीं मिलेगा। जो विंडो ओपन का स्विच, मतलब पावर विंडो का जो स्विच होता है, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। एक ही दिया यूनिवर्सल एक्चुअली फॉर फ्रंट रो के लिए, इधर एक। ये एक्चुअली आई थिंक मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए दिया है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द ग्लव बॉक्स फॉर सेंट्रो। ग्लव बॉक्स थोड़ा सा छोटा है एंड कूल, मतलब ये ग्लव बॉक्स मतलब कूल का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट मीन्स डैशबोर्ड। एंड इधर आपको एक टिकट होल्डर मिलेगा, इधर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। एंड इधर होगा मतलब ये स्पीकर के लिए, मतलब सॉरी ये माइक है एक्चुअली वॉइस असिस्टेंट के लिए। एंड ये डे नाइट मिरर है। सो इधर आपको लाइट मिलेगा, इंटीरियर लाइट, हालांकि ये लाइट का एक्चुअली मतलब लाइट चेंज किया मेरे दोस्त ने, सो इसके लिए वाइट है, नहीं तो वाई मतलब येलो मिलेगा ये लाइट। सो इधर आपको ये नॉर्मल जो है सीट बेल्ट के लिए, और सीट एक्चुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड है। सो अभी न्यूज पे भी जो आता है वो भी एक्चुअली फिक्स्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट फ्रंट फ्लो। अभी रियर पे मैं जाता हूँ। सो अभी मैं मतलब रियर रो पे आ गया, ये आप देख लीजिए मेरा हाथ इतना तक आ रहा है, मतलब ये जो रियर सीट है ये एक्चुअली दोनों आदमी के लिए अच्छा है, 3 आदमी आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट हाँ एडजस्ट हो जाएगा।
सो यही बात है। और इधर आपको कोई मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा, ये पावर विंडो का स्विच और एक लीटर का बटन होल्डर मिलेगा, बस दैट्स इट। गाड़ी का केबिन मतलब थोड़ा सा एयरी है, मतलब बड़ा बड़ा विंडो दिया है। इधर भी आपको मतलब ग्लास मिलेगा, पीछे भी आपको ग्लास बड़ा सा मिलेगा, और पीछे में जो है एक्चुअली वो डिसोगार्ड के लिए है। सो दिस इज दैट थिंग। एंड ऑल्सो इधर आपको एक मतलब रियर एसिवेंट मिलेगा, तो इसके लिए पीछे में भी कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। सो या दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। इधर आपको जो है सीट बेल्ट मिलेगा और एक लीटर का बटल होल्डर और पावर विंडो का स्विच। इधर कुछ ये टोटल एक्चुअली है सेंट्रो का स्पोर्ट्स मॉडल का एक्चुअली इंटीरियर। अभी एक बार मैं डिग्गी भी दिखा देता हूँ, एक बार मैं ओपन करके। और इधर आपको मिलेगा मतलब एक पेट्रोल मतलब पेट्रोल का नॉब ओपन करने के लिए, और एक है डिग्गी ओपन करने के लिए। तो दिस इज द टोटल बूट स्पेस, नियरली 200 टू 300 लीटर होगा ये। और इधर आपको मिलेगा, देखो ये भी 14 इंचिस शायद, आई थिंक, सॉरी ये 813 है, ये एक्चुअली मतलब 13 इंच का है। वो जो चार टायर है वो 14 इंच का होगा, और स्पेयर व्हील जो है वो 13 इंच का होगा, वो भी स्टील रिम है। और जो चार टायर है वो भी मतलब स्टील रिम है, प्लस व्हील कवर के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, सेंट्रो का इंटीरियर पार्ट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर, साइनिंग ऑफ।